साहब, आज रेड अलर्ट न्यूज स्टूडियो में हमारे साथ हैं। नरसिंहपुर में काफी लंबे समय से राजनीति कोई दिशा देने वाले राजनीतिक पुरोधा के रूप में जाने जाने वाले हमारे अपने आदरणीय कैलाश सोनी जी, हम उनका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। जानना चाहेंगे नरसिंहपुर के हालात पे यदि हम बात करें, आज नरसिंहपुर में एक भी ऐसा कोई बड़ा व्यवसायिक स्थल नहीं है, कोई ऐसा पर्यटक स्थल नहीं है, कोई ऐसी जल का कोई बड़ा स्रोत नहीं है जिसके चलते हुए कि सौंदर्यीकरण के लिए नरसिंहपुर जाना जाए। जहां तक आपने कहा कि उद्योग की दृष्टि से और उस दृष्टि से यदि अपन कहें तो जिले में भी सबसे बड़ा आपका जो प्लांट है और जो हमारे जिले की नीड भी है वो है बिजली, और उसके लिए शायद स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी हमारे यहाँ शुरू है, संभवतः 18 में उससे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा NTPC का। बाकी के मेजर अभी कृषि आधारित उद्योगों के आधार पर भी अपन कहें तो थोड़ी मोड़ी मिलाकर के कम से कम 10-11 फैक्ट्रियां हमारे यहाँ अभी संचालित है, बड़ी और छोटी खांडसारी वगैरह मिलाए तो जो कृषि आधारित है। आपने ये बात सही कही कि जितनी तेजी से पर्यटन के क्षेत्र में माने हमारे पास इतने स्पॉट हैं, इस पे पर्यटन के क्षेत्र से जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आपको बता दें कि माननीय सुंदरलाल जी पटवा जब यहाँ प्रतिनिधि थे, पार्लियामेंट में चुन करके गए, तब उन्होंने ब्रह्मांड घाट को सद्धारतक इसको पर्यटन और संस्कृति के साथ कनेक्टिविटी दी। पहली 2.5 करोड़ की राशि हमें प्राप्त हुई, जो आप देख रहे हैं वहां का निर्माण, वहां पर जो सीढ़ी घाट है और दीगर है, उसके पहले भी पर्यटन मंत्री अनूप सिंह जी थे, तब पूरा कटाव हो रहा था, लगता था ब्रह्मांड कला ये पूरा कटाव में आ जाएगा, उस समय भी 6 लाख की राशि वो मिली थी। लेकिन आज हम पर्यटन के केंद्र पे ब्रह्मांड घाट तो हमारा शामिल हो गया है, लेकिन आज बहुत जरूरत है चौहान को हम स्थापित कर सकते हैं। ये हमारे मंडला की रानी दुर्गावती की ट्रेजरी थी, आखिरी राजा प्रेम नारायण यही युद्ध में मारे गए हैं, और बहुत प्राकृतिक दृष्टि से बहुत सुंदर स्थान है। यदि उनको उसको अपन ने विकसित किया, पचमढ़ी जैसा छोटी पचमढ़ी यदि कहें अपने जिले की, तो वो चौहान है। चौहान पे भी हम लोगों ने काम किया था, ऊपर जो निर्माण हुआ गौशाला का वो हमारे स्वर्गीय हमारे राज्य मंत्री थे सुजान सिंह जी के समय पे उस पर काम हुआ है। बाकी के और सेक्टर से अपने बरेटा है, बरेटा की भी चट्टाने और सारी चीजें बड़ी रमणीय है, टोंग घाट है हमारा, और अपने अन्य अन्य और भी क्षेत्र हैं जहाँ पे अपन नर्मदा के किनारे किनारे बहुत जगह धुआंधार है झोला, इस पर भी हम काम कर सकते हैं। और इस पर अभी हमारा समिट था पर्यटन का 23 लेकिन कब करेगा और कौन करेगा? सरकार आपकी, यदि नगर पालिका से लेकर हम बात करें केंद्र तक आपकी सरकार बैठी है, भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत के साथ आज सरकार, उसके बाद भी हम सामने देखे हमारी पहली सरकार मिली तो 6 लाख की राशि ब्रह्मांड घाट पे सदियों से जुड़ी मिला। अपोजिशन में रहकर के NH 26 पे सद्धारा का ब्रिज अपोजिशन लीडर ने बनवाया जिसका नाम है हरी विष्णु कामत। अभी भी पर्यटन के नक्शे पे यदि किसी ने ब्रह्मांड घाट को जुड़वाया तो जब भी हम लोगों को अवसर मिला है उस पर हमने, और अभी आपको मालूम होगा कि ये रेत वाले घाट पे अपने रिप्टा बनाने के और बाकी के पर्यटन के संदर्भ से चर्चा चल रही है अपने चौहान के संदर्भ से, उस पर भी समिट था हमारा 23 तारीख को। हमारे दिमाग में है कि ये विकसित होना चाहिए, लेकिन जितनी अपनी मर्यादित सामर्थ्य उसके हिसाब से मूव कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उपेक्षा नहीं कही है। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय की हम बात करें, नरसिंहपुर को जिससे नाम मिला है आप, उसकी भी उपेक्षा चलती चली आ रही है लगे। आप साक्षी हैं इस नरसिंहपुर जिले के, नरसिंहपुर जिले में इतने सामर्थ्यवान नेता हो गए हैं लगातार, यदि कहें थोड़ा सा खंड बीच में छोड़ करके नेक्स्ट टू चीफ मिनिस्टर लेट मुसरान परमादरणीय श्याम सुंदर नारायण मुसरान जी,
उनके चिरंजीव अजय नारायण मुसान जी, इनका कालखंड छोटा मोटा नहीं, 30 साल का कालखंड तो, लेकिन नरसिंहपुर कस्बा ही था। सुभाष पार्क की क्या दशा थी, हमारे यहाँ रोडों की क्या दशा थी, उस समय भी मैंने कहा कि प्रभु ये रेलगाड़ी मत चलाओ, कबाड़ी उठा ले जाएंगे। क्या हुआ, मुसरान बंद का कहाँ गई रेलगाड़ी, प्रायोरिटीज करेक्ट नहीं थी। अभी आपको बताएं कि हमारी सरकार आने के बाद मनीष सिंह कलेक्टर के, इतना बड़ा माने हम लोगों ने कष्ट भोगा है कि नरसिंहपुर बाटल नेक था, सवारी निकल रही है, ताजिया निकल रहे हैं, फिर 11 से गन्ना बिक रहे हैं, पूरा ट्रैफिक माने कस्बे से भी बदतर स्थिति नरसिंहपुर की थी। ये चौड़ीकरण भाई साहब किसने किया, आज 12 करोड़ की रोड चल रही है, इसके पहले की जो 4 करोड़ की रोड बनी थी ये किसने बनाई। हमने देखा है कि गांधी चौक से चीन की थी वो, 77 में हमें अवसर मिला तो गिट्टी डालकर के डाउनीकरण का काम, मैं संदर्शक था, 1977 की सरकार में चीन की रोड बनी और आज यहां पे पुल बना करके और एक पक्की सड़क। नहीं तो आपने देखा है कि पत्थर लगा था यहां गांधी चौक के पास बीजेपी का, इसको लोगों ने भूभूषित कर दिया, लेकिन सड़क आज कहां की बात करना चाहते हैं, बेसिकली कहां से कहां पहुंच गया नरसिंहपुर, आज ककरा से जुड़ गया तेंदुखेड़ा, आज बड़े पुलों के निर्माण, आज बड़ी रोडों के निर्माण। आप कल्पना करिए कि यदि NHAI नहीं होता, अटल जी की कल्पना नहीं होती तो हम चल पाते क्या, NH-26 या 80 टायरों वाले खेलों के लायक था क्या, नहीं चल पाते। बहुत काम हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र में तो आप जाकर देखिए जो रचना हो रही है आज, क्या मुश्किल हो गई कि चटकारे लगाने के लिए जो नेगेटिव इशूज है इनमें बड़ी दम होती है और कहीं मिर्च मसाला वाले समाचारों में इनमें बहुत दम होती है, लेकिन जो हो रहा है एक एक पंचायत भवन आज हम ताबी से कहते कि नरसिंहपुर जिले में कोई स्कूल ऐसा नहीं जिसकी बिल्डिंग ना हो, बिल्डिंग देख के आइए कि हाई स्कूल की एक एक अपने मिडिल स्कूल की प्राइमरी की जिस लेवल की अपने बिल्डिंग नहीं, पंचायत भवन देखी कभी जाके देखिए गांव के भीतर की सड़क सुदूर नीचे तक पिछले मोहल्लों में नालियों सड़कों के निर्माण किस तेजी से हुए, जाइए कभी हीरापुर देख के जहां हम लोग फंस जाया करते थे दो दो नदियों में, ट्रैक्टर बुलाना पड़ता था तब गाड़ियां निकलती थी, लगता था कि रस्ते में इंतकाल ना हो जाए, आज चारों तरफ सड़कों के जाल, चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत तेजी से काम हुआ जिले में। और जो सबसे बड़ी नीड थी कब बनी बगी, इस जिले का चैलेंज यदि कोई था तो वो करता हूं वाटर लेवल, इस जिले का कोई चैलेंज था तो वो थी इलेक्ट्रिसिटी, किसानों को बिजली मिल जाए। लोग कहते थे घर में के 20 बल्ब बंद कर दो यार जिससे एक ये जल जाए, किताब पढ़ ले बच्चा। आज कितने सब स्टेशन बने, आज बिजली की क्या स्थिति है कि किसानी के लायक बिजली, और गांव में तो माने सेपरेट फीडर, गांव एक्चुअल गांव, गांव के लिए इतनी चिंता की होती 47 में तो दिल्ली बेहाल नहीं होती, बम्बई बेहाल नहीं होती, नरसिंहपुर बेहाल नहीं होता। लेकिन अपन यदि इसी मुद्दे पर बात करें बिजली के मुद्दे, फिर किसान क्यों परेशान, आज किसान जो है सेपरेट फीडर्स की जहां बात, तो कई स्थानों पर तो सेपरेट फीडर का काम ही नहीं हुआ, काम ही नहीं चला, अभी गांव जहां के तहां आज भी उसी दंश को भोग रहे। भाई साहब हमारा कहना है जून 18 हिंदुस्तान का कोई टपरिया नहीं बचेगी जहां अटल ज्योति योजना न पहुंचे। ये टाइम बाउंड प्रोग्राम ये नरेंद्र मोदी है जो हर चीज को समय पर पूरा कर रहा है, पहुंचाने का काम। लेकिन अभी देखो मंडल का अभी कुछ मंडल का ये कि ध्येय हो चुका है, कुछ कमी होगी, खपत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, एक की जगह 6 भाई हो गए, एक टीवी से हम काम चला सकते थे, हर घर में 6 टीवी हो गई है, 6 पंखे हो गए, AC लग गए हैं। आज हमारा गांव वो गांव है कि जहां हर मॉडल की गाड़ी हमारे गांव में है, कोई गांव में कोई जमाने में 2 ट्रैक्टर हुआ करते थे, अब 250 ट्रैक्टर उस गांव में। आज हम कहां पहुंच गए, जब नीचे की इकोनॉमी जाके देखो बिजली की खपत कितनी बढ़ रही है, उस हिसाब से नियोजन दिग्विजय सिंह ने 10 वर्ष में कोई कारखाना तो छोड़ दो, कारखाने का प्रस्ताव तक नहीं भेजा इस जिले का,
कि यहाँ बिजली की अब जरूरत पड़ेगी, आबादी बढ़ रही, खेती किसानी बढ़ रही है, तो इसके लिए कोई काम कभी नहीं किया गया, अब काम शुरू हुआ है। तो अपेक्षाएं बहुत जगी हैं इस आंदोलन के पीछे, इस माने नाराजी के पीछे हम शुभ देख रहे हैं कि लोगों में चेतना जगी, बहुत तेजी से लोग काम चाहते हैं, इसलिए लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, इस कारण से नहीं निकल रहे, लोगों में भरोसा जगा है कब करेंगे ये, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं, ये हम देखते हैं। बहुत तेजी से काम हुआ किसानी के क्षेत्र में, हर सेक्टर में बहुत, माने हमारे इंस्टीट्यूशन जो खुले हैं इन सब के मामले में। और आपको हम बता दें, हम बड़ा कारखाना हम कानपुर नहीं बनना चाहते, हम आगरा नहीं बनना चाहते, हम दिल्ली भी नहीं बनना चाहते, क्या हम ठीक से सांस भी नहीं ले पाए, हम कृषि आधारित बिजनेस चाहते, हम अपने पर्यावरण के लिए समझौता नहीं करेंगे, हम पर्यावरण सुरक्षित रहे उसके बाद हमारा विकास हो, ये चाहते हैं। देखिए युवा पीढ़ी हमने जो बताया कि 50 साल बाद एक्वागार्ड नहीं बना, गोटे गांव से पानी बरगी की नहर ये बाई तट आगे नहीं बढ़ी, 100 करोड़ की राशि लैंड रिक्विजिशन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, और आज हम कहां तक पहुंच गए, हमारा पानी पहुंच गया है मनकवाड़ा के आगे तक, पूरी गारवाड़ा तहसील, और आज हम जिंदा हैं तो नर्मदा जी के कारण, इसमें बहुत काम हुआ नहरों में। लेकिन अभी हमें अपनी माछा की, सक्कर की, सारी हमारी छोटी नदियों की भी चिंता करना पड़ेगी, उम्र पूरी हो रही बढ़ी की, इसलिए हमें फीडिंग वाली हमारी आगे योजना है 25 साल आगे तक की सोच करके हमें यहां पर अपनी नदियों को भी संरक्षित करना होगा। क्या लगता है, नदियों पर बात हुई तो नदियों की बात करेंगे, नरसिंहपुर जिला मुख्यालय से गुजरने वाली लगभग 27 किलोमीटर की नदी है, जो 27 किलोमीटर में नरसिंहपुर जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर में प्रवाहित होते हुए चली जाती है, उस नदी पर भी जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्य प्रारंभ किया गया, खुदाई हुई, उसको दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है, कितना उचित मानते हो आप, और क्या होना चाहिए उसमें सुधार कार्य? हम पहले दिन से इस भावना को साधुवाद देना चाहते हैं कि कोई कंसंट्रेशन तो किसी चीज पे हुआ कि ये हमारी नदी है, इसमें स्वच्छता होना चाहिए, इसमें माने इनकी निरंतरता नदियों की बनना चाहिए। आज यदि कहें तो सिंगरी में नदी का स्वरूप बचा कहाँ है, ये तो मेला ढोने वाली गाड़ी सिंगरी है। तो हमारा जो कहना कि आप देख के आइए, कभी पोरबंदर देख के आइए आप, और अन्य जो अपने गुजरात के सूबे हैं उनमें देख के आइए, तो वहां भी उनने यदि शहर के भीतर से निकलने वाली यदि कोई नदी है तो हमारा पक्का विचार है इस पर। टुकड़ों टुकड़ों में लोगों ने समय समय पर बहुत चिंता की है, अभी भी जो काम हुआ है तो वो इस नाते अभिनंदनीय कि कम से कम कंसंट्रेशन तो किया गया, उस पर एकाग्रता तो आई, लेकिन हमारा जो बिल्कुल पक्का विचार है कि ये मलवाहनी की जगह सिंगरी माता हम बनाना चाहते हैं तो हमें डीपीआर बनाना पड़ेगा शहर के दोनों तरफ, जिस तरह से हम सड़कों के किनारे पे नाले बनाते पक्के, और उनमें हमें सारी नालियां जोड़ना पड़ेंगी, जिनको निकाल करके हम बाहर ले जाएं, उनके ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, एक बूंद पानी नर्मदा जी में न जाए, और यहां पे सीढ़ी घाट बनकर के वृक्षारोपण शानदार हो, एनग्रोथमेंट खत्म हो, लोगों ने जो अपने घेर के रखा है खत्म हो करके, तब इसकी निरंतरता, पहले डीपीआर बने, पहले ये गंदगी मिलना रुके, नहीं तो हमारा सारा परिश्रम बेकार जाएगा। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आज जिला प्रशासन ने, कुछ मीडिया पक्ष ने भी इस बात को उठाया, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा, आप एक जिम्मेदार पर्सन है। मैंने पहले कहा कि ये प्रयास न कारखाने में तूती की आवाज बोलना चाहिए, प्रयास तो हुआ है, कोई बोला तो है, असर हो ना हो, लेकिन तूती को बोलना बंद नहीं करना चाहिए, ये प्रयास इस नाते बंद नहीं है। लेकिन जब अभी एग्रीमेंट किया मध्य प्रदेश सरकार ने जापान की कोई कंपनी से, डीपीआर भी बना है ये अपने गंदे पानी को साफ करने का, लेकिन उसके पहले यदि अपन अपने शहर को अच्छी नदी देना चाहते हैं तो इसकी डीपीआर हमने जिला प्रशासन से भी कहा, नगर पालिका से भी निवेदन किया है, आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि नदी के दोनों किनारे जब तक कि हम पहले गंदे पानी को निकालने की व्यवस्था नहीं बनाते, सिंगरी में एक दिन का श्रम भी नहीं करना चाहिए, लेकिन नरसिंह तालाब में अभी जो काम हुआ है, नरसिंह तालाब में आपको याद होगा हम लोगों ने भी काम किया था, जो
बाजी उम्र पार्क बना है, उत्तम सिंह जी रावत हमारे विधायक थे, नलकूप के लिए भी पैसा दिया था और कुछ टुकड़ों टुकड़ों में काम हुआ है उसका गहरीकरण, और उसमें जितने भी लोगों ने योगदान दिया सब अंदरी सराहनीय है, लेकिन हमें अपनी आदतें भी बदलना पड़ेगी कि सारा कचरा हम नरसिंह तालाब में डालेंगे। आपने देखा कचरों का अंबार बहता चला रहा है, जैसा मढ़ा सूपा ताल में है कि अब तो यदि हमें ठीक करना तो हमें जालियां लगाना पड़ेंगी 500 फुट की, ताकि कचरा आदमी हाथ भी ऊपर ले जाके न डाल सके, वो कर दें और सीढ़ियां बना करके और उसमें अपने नहर का एक आध ब्रांच ला करके हम डाल दें तो वहां पे निस्तार का यदि हमने इंतजाम कर दिया तो देखो जानवर के पीने में, कपड़ा धोने में, नहाने में 63% पानी जल स्तर भी डेवलप होगा और निश्चित ग्राउंड वाटर लेवल हमारा ठीक होगा। ग्राउंड वाटर लेवल तो हर खेत के किसान को करना पड़ेगा, हमें अपनी आदतें बदलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एरिया जिला प्रशासन की ये मुहिम थी, ये कहीं देखा नहीं जाए ना कांग्रेस ना भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने इस मुहिम को या सराहनीय मुहिम में हाथ डाल के यदि सपोर्ट करके किया होगा कि नहीं इसको डीपीआर बना के ऐसा किया जाए। मुझे लगता है आपकी पार्टी, आपको जिला अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी के विधायक हैं, चारों विधायक आपके हैं, सांसद जी आपके हैं, आप जिला अध्यक्ष के पद पर मौजूद हैं, उसके बाद भी उसमें कहीं ना कहीं उपेक्षित दिखाई दी, कहीं ना उस पर ऐसा नहीं दिखा कि चलो, क्योंकि बहुत सुंदर रूप दे सकती है सिंह जो है। बैठक में आप भी मौजूद थे और दी फर्स्ट डे, मैंने उस दिन भी यही बात कही थी कि बहुत बंदी है प्रयास, कम से कम आपने पानी की चिंता तो की, चिंता तो शुरू हुई, इसी में से रास्ता निकलेगा। लाखों मील चलने की शुरुआत पहला कदम है, तो शुरुआत हो गई, पहले भी कुछ लोगों ने किया तो खुद रहे, हम इसका कंसल्टेशन होना चाहिए, लेकिन प्राथमिकता आज अपनी सामर्थ्य है और अभी बनी है आपके जल शुद्धिकरण के लिए योजना बनी है, उसमें ये क्लब करके ताकि हमारे निस्तार का काम हो, यहाँ पे लोग तैरना भी सीखें, यहाँ पे लोग देखने जाएं, बस यही यही ने कहा जाए, इस नाते जो है इसको इसी ढंग से बनाना चाहिए कल्पना जो है, लेकिन उसके लिए हमें प्रारंभिक ये प्रयास, मैंने कहा अभी नरसिंह तालाब फिट केस है जल डालने के लिए, यहाँ पे फिट केस अभी नहीं है, नहीं, जल की तो बात नहीं, नहीं प्रयास हमें पहले ये प्राथमिक तैयारियां करके और फिर यदि अपन प्रयास नहीं जनता सरकार करें, क्योंकि आपकी पार्टी है, आप सत्ताधारी है, तो कौन करेगा वास्तव में, कौन दिशा देगा? जिला प्रशासन से भी कहा है, हमने नगर पालिका प्रशासन से भी कहा है कि इसकी डीपीआर बनाओ, और हमारे मंत्री ने भी उस दिन किसान साहब आए थे, उनने भी सीधी हिदायत दी कि ये जो कह रहे हैं सोनी जी, इस तरह की डीपीआर बनाओ ताकि पूरा गंदा पानी के बूंद बाहर निकल जाए और हमारी अविरल सिंगरी जो है वो लोगों के लिए उपयोगी हो जाए, कपड़ा धुलने लगे, नहाने लगे, हम तैरना सीखने लगे, और यहाँ पे कितना उपयोग हो सकता है कि घूमने के लिए स्पॉट बन जाएगा, स्पॉट बन जाएगा बिल्कुल। तो इस नाते इस पे तो क्या लगता है, हमारे आज रेड अलर्ट स्टूडियो में आपसे चर्चा हुई सिंगरी को लेकर, तो क्या लगता है कि अब इससे आप मजबूती से आपकी पार्टी और सपोर्टेड समर्थन के साथ जब शुरू किया काम उसी समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, फाइट टू फिनिश नहीं होती डेमोक्रेसी में, हमने अपनी प्रोसेस की है, शुरुआत की है, चर्चा गई है, ऊपर तक गई है, हाई लेवल तक गई है, और हमें लगता है कि जो आपका ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है उसके पहले हमारा ये डीपीआर बन के हम मुकाम तक पहुंचा गए। हम सारे अपने जनप्रतिनिधियों को भी हमने कहा कि ये कंसल्टेशन यदि अपन करेंगे, और यहां नहीं सारी नदियों की चर्चा करें, और उस दृष्टि से नर्मदा सेवा यात्रा के बाद जिस तरह से अभी निर्णय लिया है प्लांटेशन का, हम कह रहे कि इतना बड़ा लक्ष्य कुछ तो पूरा होगा, सब सही, दो कमी भी निकलेंगी, दो गलतियां भी होंगी, लेकिन शुरुआत इतनी अच्छी कि कितना बड़ा अनुष्ठान है आपके वृक्षारोपण का, पौधारोपण का, यदि इसमें हम कोई काम कर पाए, हम अपने खेत में भी माने झाड़ पौधे लगाते हैं, लगाते कुछ जानवर खा जाते हैं, कुछ बकरी खा जाती है, कुछ हम देख रेख नहीं कर पाते, हम बाहर चले जाते हैं, लेकिन शुरुआत तो हो, बिना वृक्षारोपण के अब नदियां नहीं बचेंगी। अभी नर्मदा जी के लिए भी बहुत चिंता का विषय है कि हम ग्लेशियर से नहीं निकलेंगे, हम वृक्षों से ताकत पाते हैं, और वृक्ष कितनी जिंदगी देता है हम सब आपके लिए, किसी ने कहा है कि जो वृक्ष जो है वो स्थिर आदमी है, और आदमी चलता फिरता जहाज है, और वृक्ष हमारी कितनी कठिनाइयों को रोकते हैं,
जब वो गुजरात में तूफान आया तो एक्सपर्ट्स का जो अन्वेषण आया उसको कि यदि इस समय जंगल होते तो ये तूफान का असर झाड़ छेद, गंदी हवा, धूल, ध्वनि प्रदूषण, कितनी चीजें अपनी छाती पे झेलता है झाड़। और आपको पवित्र हवा मिल जाए इसकी चिंता करनी पड़ेगी, पानी की चिंता करनी पड़ेगी। पानी का नाता तो वही है कि सृष्टि में जितना पानी है उतनी प्रपोर्शन हमारे बॉडी में है। और इसका प्रमाण ये है कि अमावस पूर्णों में ज्वार बांटे जाते हैं और अमावस पूर्णों में आदमी भी आंदोलित होता है, पागल होता है। तो यदि पानी का संतुलन शरीर में बिगड़ा तो विकृति आई, नियति में यदि बिगड़ा तो फिर पर्यावरण खराब होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो सृष्टि का विनाश होगा। इसलिए और ये केवल हम सिखा सकते हैं पूरी दुनिया को, माने प्रकृति का कम से कम दोहन कोई कल्चर में तो हमारे यहां, और सबको जागरूक होना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली हमारी आदतें बिगड़ गई। आपको बताएं राजस्थान में 12-15 दिन की बारिश होती है तो साल भर का इंतजाम कर लिया पानी का, और हमारे यहाँ 2.5 महीने की बारिश होती है। लेकिन हम किस तरह से बेतरती पानी का उपयोग करते हैं, सब जगह इसके उदाहरण मिल जाएंगे हर गली में। हमें बड़ी हमारे पुरुषों की तपस्या है कि अपन नरसिंहपुर जिले में पैदा हुए, बहुत बड़े हमारे कुछ अपने हिंदू मेथोलॉजी में के बड़े अच्छे कर्म रहे होंगे। जब हम यहाँ है इस जिले ने अकाल नहीं देखा, इस जिले ने कभी अभाव नहीं देखा, इस जिले ने कभी युद्ध नहीं देखा, इस जिले ने कभी दंगा नहीं देखा। तो बहुत नायाब जिला है, इतना फर्टाइल ब्रेन वाला कोई जिला नहीं। और है भी हम मध्य में हृदय में है, लेकिन हम लापरवाही होते हैं। हमें एक एक आदमी को अपने जो सिविक सेंस है, जो जागरूकता है पानी के प्रति, जो जागरूकता है वृक्षों के प्रति, ये हमें अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते, टोक तो सकते हैं। विरोध में जब भारतीय जनता पार्टी हुआ करती है तो बड़े चिंतनीय जो विषय हैं उन पर चिंतन करके अग्रसर होकर आगे निकलती थी। लेकिन वर्तमान में जो देखा जा रहा है कि चिंतन तो करती है लेकिन उसको आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करती, आपस में खींचतान होती है कहीं ना कहीं। कोई देखो न तो हमें सरकार चलाना है, न तो सरकार में हमारी प्रायोरिटी करेक्ट थी 50-60 साल, और हम विरोध को भी दूषित कर रहे हैं। न तो हमें विरोध करना है, विरोध का भी अपना धर्म है। विरोध के नाते हमने कितने मूवमेंट किए हैं, कितने इशूज उठाए हैं, कितनों पे हमने काम किया है। अभी तो ये नेगेटिव इशू खड़ा हो गया, इस पर तुम अपनी गाकड़ सेकना चाहते हो, ये उचित नहीं है। विचार करो रोज कौन सी इशूज है जिसपे रूलिंग पार्टी माइनस में जा रही है, इनका काम ठीक नहीं है। जी नीति लागू नहीं होना चाहिए थी, इसमें जी नीति लागू होना चाहिए थी, उस पर बोस्टिंग होना चाहिए थी, उस पर धरना होना चाहिए था, उस पर पिकेटिंग होना चाहिए थी, उस पर ज्ञापन देना चाहिए था, ताकि हम लोगों को भी समझ में आए कि हम क्या गलती कर रहे हैं। हम में यदि संवेदना होती तो हम गलतियों को अभी सुधार लेते, और यदि नहीं सुधारते तो आपको चुनाव में जाकर के यही मजा है लोकतंत्र का कि कभी आदमी किसका हिरोल ना नीचे आ जाए। राजनीति का भी मजा यही है, कोई यहाँ लोहे का बना कोई आदमी नहीं है और अमर होके कोई नहीं आया। जनतंत्र तो ये माना जाए कहीं ना कहीं कि पूर्ण आत्मविश्वास पे है बीजेपी, और उसका जो ध्येय है वो अपने ध्येय पर अग्रसर है। हम उद्देश्य ही के लिए राजनीति में आए हैं और इसलिए हम भ्रमित नहीं, हम आदमियों के लिए राजनीति में नहीं आए, हम किसी के चौहे नहीं है। राजनीति में ये विचार सबसे दूषित विचार, हम काहे के लिए राजनीति में आए। ये विचार चाणक्य ने कहा दिन में 2-4 बार आदमी को करना चाहिए कि हम राजनीति में आए काहे के लिए, हमारा धर्म क्या है, क्यों अडॉप्ट किए। इसका यदि विचार किया तो दिशा हमें ठीक मिल जाए। आज आप हमारे स्टूडियो आए, स्टूडियो में एक जल संवर्धन को लेकर भी बड़ी बहस हुई, बड़ी चर्चा हुई। उसी चर्चा में हमारी भी आपसे अपेक्षा है, जे मीडिया में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो नरसिंहपुर की वो सुंदरता दे सके, क्योंकि जो 7 किलोमीटर का जो एरिया दायरा है उसमें जब हमने जाके देखा बहुत ही अच्छे अच्छे स्थान है। यदि एक बहुत अच्छे स्थान की यदि हम बात करते, आपके भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अनगढ़ मंदिर के पास का भी जो स्थान बहुत ही भव्य स्थान है और जिसको भव्य रूप दिया जा सकता है,
नरसिंहपुर की सुंदरता को बिखेरेगा। इसके लिए भाजपा कब निकलेगी और क्या करने जाएगी? हमें निकलेगी नहीं, निकल चुकी है। आज परिणाम दिखाई दे रहा आपको मॉडल रोड का, आज कि यहाँ से हम दो दो चार चार घंटे ट्रैफिक रुकता था हमारा और कितनी बुरी दशा होती थी। आज सब जगह काम शुरू हुआ है, लेकिन मुकाम तक पहुंचने की और परिश्रम की जरूरत है। और उस दृष्टि से अभी जल शुद्धिकरण के लिए, अभी पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए, पानी और संरक्षित हो इसके लिए अभी वाटर की योजना जो आई है, पानी नर्मदा जी के ला करके के बेकार न जाए, यहाँ पे पानी आए तो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल और ज्यादा ठीक होगा, जल यहाँ आकर के और उसका उपयोग होगा। तो यहाँ पे हमें भी अपने साइमल्टेनियसली अपने जल का ठीक उपयोग करना। यहाँ अपने आसपास सड़क ही पूर्ण विकास नहीं हो सकता, नहीं आज हमारे नहीं सड़क अलग नहीं। आपको मालूम नहीं कि जल इस शहर के गंदे पानी की निकासी पे हमने आपके ट्रीटमेंट प्लांट के लिए इस पर पूरी हमारी डीपीआर बन गई है। उसमें जो कमी थी वो हमने बताई कि अभी टाउन के भीतर की डीपीआर ये उसमें इंक्लूड करना चाहिए, तब हम समुचित जो आप कर रहे हैं वो कल्पना हमारी पूरी होगी। और हम आपको भी ठीक करना पड़ेगा। हम शौचालय एक बार हाँक के तो आपके शौचालय बना देंगे, लेकिन आप उसमें कंडा भर लोगे, आप उनका फाटके ही नहीं खोलोगे, आप खुले में शौच में जाएंगे, आप यदि टोटी तोड़ के रख देंगे, हम आज बल्ब लगाए कल आज पत्थर मार देंगे, ट्यूबलाइट तीसरे दिन खराब हो जाएगा। इसके लिए सबको काम, सबके योगदान की आवश्यकता है। और इस पे ज्वाइंटली अपोजिशन को भी सोचने की जरूरत है कि हम क्या नहीं कर रहे इन संसाधनों में और क्या अच्छा किया जा सकता है। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि उनको बैठ के इसका विचार करना चाहिए, इस पे बोलना चाहिए कि ये करेक्ट नहीं है, ये लाइन ठीक नहीं है, ये नीति ठीक नहीं है, इसको ऐसा अख्तियार करना चाहिए तो अच्छी बात होगी। और अच्छा करके भी अपोजिशन में अपनी लाइन को बढ़ाया जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बढ़ाई, यहाँ पर सुंदरलाल पटवा ने भी किया। तो हम आपको बताना चाहेंगे आज हमारे बीच से आदरणीय कैलाश सोनी जी, सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आई है कैलाश सोनी जी का स्पष्ट तौर पर यह कहना कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश, हमारा जिला, हमारा गांव, हमारी नदी, हमारा तालाब, यदि इस ध्येय से, इस सोच और विचारधारा से यदि कार्य किया जाता है तो हमें पूर्ण विकास नरसिंहपुर जिले को मिल सकता है। आप हमारे साथ आए हमारे स्टूडियो पे, बहुत बहुत शुक्रिया।